नमस्कार, इंडियन फूड रेसिपी टिप्स में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ लौकी की खीर। लौकी आपको खाने में भले ही अच्छी ना लगती हो, लेकिन लौकी की खीर बहुत स्वादिष्ट होती है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आप व्रत में लौकी की खीर खाते हैं तो दिन भर एनर्जी बनी रहती है, थकान महसूस नहीं होती है। लौकी खाने से वजन तेजी से कम होता है। तो चलिए बनाते हैं हम स्वादिष्ट लौकी की खीर। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लौकी की खीर बनाने के लिए मैंने लौकी को काट कर छील लिया है, इसका सफ़ेद भाग निकाल दिया है। अब इस लौकी को जार में डालकर पीस लेंगे। लौकी को पीस लिया, चाहे तो आप किसी ग्रेटर से इसको ग्रेट कर सकते हैं। अब एक पैन में लौकी डालेंगे पिसी हुई। धीमी आंच पर लौकी का एक्स्ट्रा पानी सूखने तक इसको भून लेंगे। लौकी का पूरा पानी सूख चुका है। पानी सूखने के बाद लौकी में एक चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद 2 मिनट तक भून लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, हमारी लौकी अच्छी तरह से सिक गई है। अब इसमें दूध डालेंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। खीर को गाढ़ा होने तक पकाएंगे, लगभग ये आधी बचे। जो लोग डाइट पर हैं और अपना वजन कम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में लौकी की खीर खा सकते हैं। यह उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और एक और बात, लौकी में नेचुरल वाटर होता है जो हमारी रंगत को निखारता है। तो आप लौकी से बनी डिश खा सकते हैं। हमारी खीर लगभग आधी रह चुकी है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे और 5 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। अगर आप चीनी खाना पसंद नहीं करते तो चीनी की जगह आप शहद डाल सकते हैं। चीनी की जगह शहद डालना एक बेस्ट ऑप्शन है। जो लोग वजन कम कर रहे हैं वो शहद डाल सकते हैं। इस खीर को आप किसी भी व्रत में खा सकते हो। व्रत में एक खीर खाने से आप में दिन भर एनर्जी बनी रहेगी और आपको थकान महसूस नहीं होगी। लौकी की खीर बनकर तैयार हो गई है। अब गैस को बंद कर देते हैं। इस खीर को अब बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और 2 दिन तक खा सकते हैं। ये खीर बन गई है। आप भी अपने घर पर लौकी की खीर एक बार जरूर ट्राई करें।
ये लौकी की खीर बनाने की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।